know someone like that? Let's just say I know a guy who knows a guy who knows another guy. Welcome to Tech Garage. In this video, I will teach you the linked list data structure and how to implement it in the Python language. So, इतनी English आती है मुझे, तो चलिए हिंदी में चालू करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं. तो हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है. तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक मेम दिखाना चाहता हूँ. तो लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक्चुअली लिंक्ड लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट. These elements present at a different memory locations, but connected through some links. कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो चलो हिंदी में बताता हूँ कि linked list एक ऐसा data structure है. मानो ये चार node है. ये first node है. इसके पास अपना कुछ data है, मतलब ये इंसान है. इसके बाद अपना face है, मुँह है और वो कुछ data है उसके पास. तो ये वो connected है इस वाले इंसान से, इस link से हाथ के. तो ऐसे चार लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो दिस इज आई एग्जांपल फॉर लिंक्ड लिस्ट. और एक मीम है, वो भी दिखाता हूँ. सो ये मुझे इंस्टाग्राम से मिला है. सो ये है फर्स्ट नोड, उसको वो प्रीवियस वाला नोड फॉलो कर रहा है. तो बस हो गई बकचोदी. अब चलो शुरू करते हैं एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग अ लिंक्ड लिस्ट इन पाइथन. सो मैं एक यहाँ पे पाइथन वाली फाइल बना लेता हूँ, लिंक्ड लिस्ट डॉट पी वाई. सो ये रॉ फाइल मैंने बना दी है. तो सबसे पहले मैंने कुछ ड्राइंग्स किए हैं, उसके थ्रू हम लर्न करेंगे. तो फर्स्ट है ये वाला. तो लिंक्ड लिस्ट में पहले क्या होता है कि हम डेटा डिफरेंट नोड पे स्टोर करते हैं और उन नोड्स को एक लिंक के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. तो पहले हमें एक नोड बनाना पड़ता है, जैसे कि हमने इसमें में पढ़ा, मतलब देखा कि इधर एक इंसान है, मतलब ये एक नोड है, इसके पास कुछ तो डाटा होगा और उसके पास एक लिंक है, मतलब हाथ है, जिससे वो दूसरे नोड से कनेक्ट कर रहा है. ऐसे एक लिंक्ड लिंक करके एक लिस्ट बन रही है. तो चलिए पहले हम एक तो उस नोड को कैसे बनाते हैं, इसका सूडो कोड मैंने यहाँ पे दिया है. कि हम पहले क्या करते हैं कि एक क्लास लेते हैं नोड का, और उसका एक जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम क्या पास करेंगे कि डेटा, कि उस लिस्ट में हमें क्या डेटा स्टोर करना है उस नोड पे. और एक उसका एक एट्रीब्यूट होगा कि नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या करेगा, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा. तो कैसे इम्प्लीमेंट होता है आपको बताता हूँ. तो हमने इस नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, n में स्टोर किया उसको. उसको हमने एक डेटा पास किया, यहाँ पे दिख रहा है डेटा टेक गैरेज करके. तो इस तरह से वो नोड तैयार हो जाएगा कि उसमें डेटा है टेक गैरेज और उस नेक्स्ट का एड्रेस है, अभी हमने नहीं रखा है क्योंकि हमने लिंक नहीं किया है. तो चलिए इसको कोड करते हैं. क्लास नोड, तो इसमें हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे इनिट सेल्फ लेगा, वो खुद की एक ऑब्जेक्ट की कॉपी लेता है, जैसे कि हम उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को अल्टर कर पाए. सेकंड हम पास करेंगे डेटा, तो जो सेल्फ ऑब्जेक्ट है उसको हम अपना डेटा असाइन करेंगे और सेल्फ डॉट नेक्स्ट को नंद रखेंगे. तो इस तरह से हम अपना एक नोड बना लेते हैं. नोड का इतना ही मतलब कोड है. तो इसको रन कैसे करते हो अभी आपको बताता हूँ. तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट रन बटन से भी कर सकते हैं रन, मैं फिलहाल तो यहाँ से करने वाला हूँ. तो पहले हम क्या कर लेते हैं, n वेरिएबल में उस नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. उसमें मैं डेटा क्या भेजूंगा,
लेट्स से टेक गैरेज, सो मैंने उसमें डेटा भेज दिया, तो उसको अब रन करते हैं। तो फिलहाल तो रन हो रहा है पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया है कुछ। तो जैसे कि हम प्रिंट करेंगे यन डॉट डेटा, मतलब इस वाले जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो डेटा वेरिएबल है उसको प्रिंट करेंगे तो दिखा देगा आपको कि टेक गैरेज। तो इस तरह से हम एक नोड बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमने ये तो सीख लिया कि हम एक मतलब सिंगल नोड कैसे बना सकते हैं, पर लिंक्ड लिस्ट तो मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट नोड को लिंक करते हैं लिंक्ड लिस्ट में, तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो इस वाले मतलब इमेज में देख रहे होंगे कि हम एक EN1 करके एक नोड बना लेंगे, पहले उसमें ए डालेंगे टेक्स्ट कुछ, और फिर EN2 एक नोड बना लेंगे। और इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि जब हम EN1 का जो नेक्स्ट होगा उसमें हम EN2 डालेंगे, मतलब EN2 इस वाले नेक्स्ट को असाइन होगा, मतलब इसका ये EN2 ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि EN1 ऑब्जेक्ट का डेटा उसके नेक्स्ट में ये EN2 ऑब्जेक्ट में डेटा, और EN2 ऑब्जेक्ट का नेक्स्ट नन ही है। तो ऐसे करते हैं, और ऐसे ही हमने EN3 नोड बना लिया, तो ऐसा बनेगा सी उसमें डेटा है और उसका नेक्स्ट नन है। तो उसको इस लिंक्ड लिस्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो EN2 जो बना था हमारा तो उसके नेक्स्ट में हम EN3 डालेंगे, तो ए भी नोड इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से वो बन जाएगा। तो इसको कोड हम रब कोड से भी बना सकते हैं, दिखाता हूँ आपको पहले उसको भी। फिलहाल तो मैं इस प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ और इसको EN1 कर देता हूँ। तो हमने एक मिनट इसको ऐसे ओपन करता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। हाँ, तो इसमें हमने डेटा EN1 नोड में डेटा डाला ये ए, फिर हमने EN2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो भी नोड क्लास से, उसमें हमने डेटा भेजा बी, सो ए हमारे दोनों ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। तो इनको लिंक मतलब लिंक कैसे करते हैं ये हम फिलहाल तो रब कर रहे हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि प्रॉपर वैसे लिंक्ड लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, पर ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, EN1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू EN2, मतलब EN1 का जो नेक्स्ट है वो EN2 को पॉइंट करेगा, EN1 का जो नेक्स्ट है वो EN2 को पॉइंट करेगा। तो हम देखते हैं कि हम EN1 से EN2 के डेटा को कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो उसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ कि हम जो इसे करेंगे कि प्रिंट EN1 डॉट डेटा, इसको प्रिंट करेंगे फिलहाल हम, तो क्या आएगा, तो ए देगा, मतलब EN1 में ए डेटा है। पर हम जब ऐसे करेंगे EN1 डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, मतलब EN1 का जो नेक्स्ट है नोड उसका डेटा क्या है, तो उसको भी हम रन करेंगे तो वो देगा बी, मतलब ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है, मतलब ये दूसरा वाला नोड पहले वाले नोड से लिंक हो चुका है। तो इस तरह से हम रब भी कर सकते हैं, पर इस तरह से बहुत टाइम लगेगा कि जो सपोज आप मान लो कि हमारे लिंक्ड लिस्ट में 100 नोड है, तो इसको मैन्युअली करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है लिंक्ड लिस्ट का वो कुछ इस तरह से किया जाता है, वो भी बताता हूँ आपको। चलो, हाँ, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए ये लिंक्ड लिस्ट क्लास इन्वेंट किया गया है। वो क्लास क्या करता है कि जब हम नोड क्रिएट करते हैं तो उसको एक हेड नाम के पॉइंटर में रखता है कि ये लिंक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि हम उधर नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी उसका डेटा निकाल सकते हैं अगले नोड, पर वो एक प्रॉपर वे नहीं है कि हमें कैसे पता होगा कि कितने नोड हैं और कितना नेक्स्ट दबाना है उसमें। तो उस वजह से लिंक्ड लिस्ट क्लास को डिफाइन किया जाता है, वो एक हेड नाम का एक पॉइंटर मतलब होल्ड करता है जिसमें कि
जो फर्स्ट वाला नोड है लिंक्ड लिस्ट का वो स्टोर होता है, और बाद की लिस्ट ऐसे स्टोर होती है। कुछ लोग लिंक्ड लिस्ट क्लास में हेड और टेल दोनों भी पॉइंटर होल्ड करके रखते हैं, पर वो कुछ कंपलसरी नहीं है कि टेल पॉइंटर को हम यहाँ से भी इटरेट करके निकाल सकते हैं कि लास्ट नोड कौन सा है वो जान सकते हैं। पर इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस टू होल्ड इज बोथ दी पॉइंटर्स, हेड एंड टेल पॉइंटर्स। सो लेट्स गो इन कोड। सो इस सब कचरे को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम डिफाइन करेंगे क्लास लिंक्ड लिस्ट को। ये हमने क्लास लिंक्ड लिस्ट डिफाइन किया, उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं इनिट। जो कंस्ट्रक्टर क्या इंस्ट क्रिएट करेगा वो होगा हेड पॉइंटर, जो कि फिलहाल हम नंबर रखेंगे क्योंकि हमारी लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है, और वो टेल को पॉइंट कर सकते हैं। टेल ऑप्शनल है तो फिलहाल तो डाल देते हैं। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू होल्ड दैट टेल आल्सो। सो ये तो हमने बना लिया, पर लिंक्ड लिस्ट में नोड्स को कैसे डालते हैं वो अब आपको बताता हूँ। तो इस लिंक्ड लिस्ट में इन नोड को डालने के कुछ मतलब ऑपरेशंस हैं जो प्रीडिफाइन है, मतलब कि जब देखो इमेज ही दिखाता हूँ आपको। हाँ तो लेट्स से ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये हमारी एक लिंक्ड लिस्ट है, तो इसमें हमें एलिमेंट अभी डालने हैं। लेट्स से हमें हमारी लिंक्ड लिस्ट में कुछ दो एलिमेंट है पहले से ही, और हमें इंसर्ट करना है नोड बिगिनिंग को। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, मतलब बिगिनिंग से कैसे इंसर्ट करते हैं। उसमें हमारा मतलब आप कहेंगे कि अभी तो लिंक्ड लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं डाला है हमने, उसका भी देखेंगे कि जब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी होगा तो कैसे वो इंसर्ट करता है, उसका भी कुछ कंडीशन देने पड़ते हैं और वो बताता हूँ आपको पहले। उसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं इंसर्ट फ्रॉम बिगिनिंग, इंसर्ट फ्रॉम बिगिनिंग करके जो कि जो सेल्फ है उसके कॉपी लेगा, मतलब इस लिंक्ड लिस्ट की, उसमें वो लेगा डेटा जो आपको इंसर्ट करना है उस वाले नोड में। आ गए हम, अब हमारे पास डेटा है। डेटा क्या करते हैं, डेटा से हम एक नोड का इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, एक न्यू नोड करके, न्यू नोड नोड करेंगे डेटा। तो यहाँ से हम जब कॉल लगाएंगे नोड को तो एक वो एक नोड क्रिएट करके देगा जिसमें कि ये डेटा होगा, और हम कंडीशन चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट हेड, मतलब ये सेल्फ डॉट हेड नन नहीं है, मतलब लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ कैसे है कि मतलब इसमें तीन नोड्स हैं, जब ऐसी लिंक्ड लिस्ट पहले ही प्रेजेंट होगी तो उसमें जब हमें नोड ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे कि एक नोड क्रिएट करेंगे और उसके नेक्स्ट में जो पहले वाला हेड है लिंक्ड लिस्ट का उसको असाइन करेंगे। तो वो देखा था लिंक्ड लिस्ट डॉट हेड, जब हेड प्रेजेंट है तो जो न्यू नोड है डॉट उसका जो नेक्स्ट है उसको हम जो सेल्फ डॉट हेड, मतलब सेल्फ डॉट हेड में जो नोड होगी मतलब वो लिंक्ड लिस्ट के हेड होगा उसको असाइन कर देंगे नेक्स्ट को, और जो सेल्फ डॉट हेड है वो हम न्यू नोड पे लेके आएंगे। जैसे कि इमेज में दिखाया है कि जब हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड ये लिंक्ड लिस्ट का हेड सेल्फ डॉट हेड असाइन किया और जो हेड था उसको हम न्यू नोड पे लेके आए, तो ऐसे हमने यहाँ पे किया है। पर जब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी होगी तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एल्स मतलब जब हेड नल होगा मतलब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी है, और जब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो इसमें कुछ तो होगा एलिमेंट। तो देखते हैं जब नन होगा मतलब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी होगी तो हम क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट हेड है उसको हम न्यू नोड असाइन कर देंगे और टेल को भी वही असाइन कर देंगे।
क्योंकि एम डी है तो टेल भी वहाँ पे होगा और हेड भी वहाँ पे होगा, उन्होंने तो इस तरह से हम इंसर्ट फ्रॉम बिगिनिंग कर सकते हैं, मतलब बिगिनिंग से लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ओके तो ये हमने देख लिया, हमने ऐड करना तो सीख लिया, पर हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे कि हम ये लिंक्ड लिस्ट बनी है तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन प्रिंट करके, जो कि सेल्फ की कॉपी लेगा लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे करंट करेंगे जो सेल्फ डॉट हेड पे होगा। वाइल करंट डॉट नेक्स्ट, आप चिंता मत कीजिए मैं आपको बताता हूँ क्या कोड है। तो हम क्या करेंगे, एक करंट वेरिएबल लेंगे जिसमें कि सेल्फ डॉट हेड मतलब जो लिंक्ड लिस्ट का हेड है वो लेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक वो लास्ट तक नहीं जाता, लास्ट तक जाएगा तो क्या होगा उसका नेक्स्ट नन होगा, तो वहाँ पे वो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। और क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे करंट डॉट डेटा को, करंट के डेटा को। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हमने जो भी देखा है उसको देखते हैं कैसे करना है। तो हम एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, तो जन किसका लिंक्ड लिस्ट का। अब हमें क्या करना है, अब एम्प्टी है, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट है तो हमें इसके बिगिनिंग में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, जन डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग, और इसमें एट्रीब्यूट क्या मतलब पैरामीटर क्या पास करना है, आर्गुमेंट नीचे से आर्गुमेंट पास करना है डेटा। तो डेटा क्या पास करेंगे हम, टेक गैरेज। तो एक नोड ऐड हो गया लिंक्ड लिस्ट में, अब लेट से हम दूसरा भी नोड ऐड कर देते हैं उसमें। मैं पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। तो हम यन डॉट प्रिंट को कॉल लगाएंगे, तो हमने प्रिंट को कॉल लगाया, आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। क्यों प्रिंट नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। न्यू नोड तो क्रिएट कर लिया, न्यू नोड को असाइन कर लिया नेक्स्ट में, या कुछ प्रिंट फंक्शन ओवरराइड होता होगा। कुछ तो हो रहा है मतलब, हम देखते हैं रुको। यहाँ पे कुछ तो समझ आ रहा है, मतलब ये फाइल लूप में जा ही नहीं रहा है उसको, क्योंकि हमारे पास एक ही नोड है और उसका नेक्स्ट नन है, नल है। तो पहले हम एक नोड होगा तो यही पे प्रिंट कर लेंगे करंट डॉट डेटा। और उस पॉइंटर को आगे भी बढ़ाएंगे इसमें। अब प्रिंट हो गया। तो हमारे इस लिस्ट में एक नोड है टेक गैरेज करके, हम और एक नोड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है टेक बर्नर। और एक नोड क्रिएट करते हैं जिसका नाम है टेक गौरव करके, तो इसे सेव करते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि होता है क्या ये प्रिंट। क्या गड़बड़ हो रही है, टेक गौरव प्रिंट हो रहा है पहले, फिर टेक और टेक बर्नर प्रिंट हो रहा है। सेल्फ डॉट हेड में न्यू नोड है, ओके। तो
करंट करके देखते हैं, स्प्रिंट को भी हटा देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये प्रिंट हो रहा है अब। वो क्या हो रहा था कि हम नेक्स्ट के लिए चेक करें तो वाइल लूप वो जा ही नहीं रहा था। तो इस तरह से आप डिबग कर करके भी सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले जो टेक गैरेज था वो लास्ट में चला गया क्योंकि हम बिगिनिंग से नोड ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से वो होता है। तो लेट्स ऐड न्यू फंक्शन विच इज डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग में वो कुछ नहीं लेगा, एक सेल्फ की कॉपी लेगा। हाँ, और इमेज दिखाता हूँ। तो डिलीट में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एलिंग लिस्ट है बड़ी, सिर्फ हमें क्या करना है कि जो हेड नोड है उसको, जो पहले वाला, उसको नेक्स्ट नोड पे लेके जाने का है। ये नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब पाइथन में वो बिल्ट-इन फंक्शनलिटी है कि वो जो, मतलब जो अनलिंक्ड जो नोड पड़े होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसको डंप कर देगा और हमारी लिंक्ड लिस्ट यहाँ से यहाँ तक ही बचेगी। उसको भी बताता हूँ कैसे करना है। इसमें बहुत सिंपल है कि क्या करना है। सेल्फ डॉट जो हमारा हेड है उसको सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट पे लेके जाना है, इतना ही है बस। तो हमने देखा हमने क्या किया है कि एलिंक्ड लिस्ट है उसमें ये तीन एलिमेंट्स डाले, उसको प्रिंट किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे एलिमेंट एन डॉट डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, इसको कॉल लगाया। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रिंट को फिर चलाएंगे, प्रिंट करेंगे लिस्ट को। तो इसका आउटपुट हम देखेंगे अब। तो हाँ एक मिनट, इसके नीचे मैं एक प्रिंट लाइन प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारा एक दूसरा ऑपरेशन यहाँ से चल रहा है। हाँ मतलब पहले लिंक्ड लिस्ट में हमने टेक गैरेज डाला, फिर टेक बर्नर डाला, टेक गौरव डाला, फिर हमने क्या करा, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब टेक गौरव जो हेड नोड था डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप ये ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं, मतलब बिगिनिंग से इंसर्ट कर सकते हैं या बिगिनिंग से डिलीट कर सकते हैं। उसमें हमने ये भी देखा कि जब वो, जब लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी होगी तो वो कैसे, मतलब बिहेव करेगा हमारा कौन। तो ये तो देख लिया। और दो ऑपरेशन है कि हम एंड से भी उसमें एलिमेंट डाल सकते हैं, मतलब लिंक्ड लिस्ट के एंड से, और एंड का डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसका भी कोड देख लेते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट एट एंड, जिसमें क्या है, खुद की कॉपी भेजेंगे, मतलब लिंक्ड लिस्ट ऑब्जेक्ट की, और भेजेंगे डेटा जो हमें ऐड करना है। तो पहले हम पिक्चर को देख लेते हैं क्या है कि हम क्या करेंगे। ये हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है, ये ए बी सी उसमें एलिमेंट है, हमें एंड में एलिमेंट डालना है। तो क्या करेंगे, हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। पहले तो हमें क्या करना होगा कि हेड से यहाँ टेल तक आना पड़ेगा, पर हमने टेल को भी स्टोर करके रखा है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने पहले बताया था कि ये जो टेल को भी स्टोर करते हो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हम क्या करेंगे, टेल में ऐड करते हो जो टेल का नेक्स्ट है उसमें वो न्यू नोड असाइन कर देंगे, इतना ही है बस। और जो टेल नोड है, टेल का पॉइंटर, उसको उस न्यू नोड पे शिफ्ट कर देंगे। तो उसको देखते हैं, बहुत पसीना आ रहा है यार। ठीक है जाने दो, वीडियो के लिए कुछ भी कर देंगे हम। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। तो क्या करेंगे, पहले न्यू नोड क्रिएट करेंगे। न्यू नोड क्या करते हैं, हम नोड का एक इंस्टेंस बनाते हैं, उसमें डेटा भेज देते हैं। आया हुआ बन गया न्यू नोड। तो पहले चेक क्या करेंगे कि लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। इफ ज्यादा स्पेसेस नहीं देने चाहिए, इफ सेल्फ डॉट हेड, मतलब उसमें कुछ हेड है, मतलब उसमें टेल हो गए, मतलब वो एम्प्टी नहीं होगी। वो चेक करेंगे, जब उसमें हेड होगा तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट
टेल का जो नेक्स्ट है उसमें हम न्यू नोड को ऐड कर देंगे, और जो सेल्फ डॉट टेल है उसको हम न्यू नोड पे लेके जाएंगे। मतलब सेल्फ डॉट टेल में क्या होगा कि जो ये वाला एलिमेंट है वो स्टोर होगा, और उसका नेक्स्ट जो नन होगा उसमें हम क्या असाइन करेंगे, इस वाले नोड का असाइन करेंगे। और हमने बाद में क्या किया इस वाले स्टेप में कि सेल्फ डॉट टेल है उसको न्यू नोड पे असाइन कर दिया, इस पॉइंटर को इधर लेके गए। तो इस तरह से लिंक हो गया एंड में। और एल्स में क्या करने के लिए कि जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा तो क्या करेंगे, हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड करेंगे, सेल्फ डॉट टेल इक्वल टू हम न्यू नोड करेंगे। एक मिनट में रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। हाँ चलो ये असाइन करेंगे। तो इस तरह से हम एंड में नोड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। हम हमने क्या किया था, वो डिलीट ऑपरेशन किया था बिगिनिंग से, वो तो अच्छे से वर्क कर रहा था। एंडिंग वाला देख रहे थे, अब एंड में ऐड करना है। तो इंसर्ट एट एंड क्या डेटा डालना है आप ही बताओ। लेट्स से किसका नाम डालें, टेक मयूर डाल देते हैं, है मेरा एक दोस्त, उसका नाम डाल देते हैं। तो एंड में हमने उसको डाल दिया। एंड में डाला मतलब है टेक गैरेज के बाद, टेक गैरेज वो एंड में चला जाएगा, फिर टेक बर्नर आएगा बिगिनिंग से, फिर टेक गर्नर आएगा, और मयूर जो होगा एंड से डालेंगे तो एंड में होगा। तो लेट्स इसको प्रिंट कर लेते हैं। या हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो क्या है कि ये हमारा पहले लिंक लिस्ट था, ये बिगिनिंग से हम ऐड करते गए, और ये है, और एंड में मयूर ऐड हो गया। या वी हैव अचीव आवर माइलस्टोन। इतनी इंग्लिश आती है मुझे, क्या करें, हमारी हिंदी सबसे अच्छी है। सो हम डिलीट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं अब। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें भी एक सिंपल स्टेप है कि जो टेल है हमारे पास उसको उसके पिछले वाले एलिमेंट पे ले जाना है। पर ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि हम जब टेल एलिमेंट पे होंगे तो हमें ये एलिमेंट एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी इसका एड्रेस स्टोर नहीं, ये सिर्फ अगले वाले का एड्रेस स्टोर करता है। तो इसको कैसे अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे हम कि हेड से हम इटरेट करेंगे, जैसे कि हम प्रिंट में इटरेट कर रहे थे कि व्हाइल लूप लगा के यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे जाते प्रिंट करते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट नोड होगा एक, जो उसको हम यहाँ से यहाँ पे इटरेट कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे है क्या उसका, हाँ वो इटरेट कैसे करते हैं वो सर्चिंग में डाला है मैंने। तो यह करंट नोड यहाँ पे होगा हमारा, फिर हम उसको करंट नेक्स्ट करके यहाँ पे लेके जाएंगे करंट को, फिर करंट नेक्स्ट को करके यहाँ पे लेके जाएंगे, और करंट नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएंगे टेल नोड पे। और हमें क्या कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे, मतलब जब टेल नोड का आगे का नन होगा, मतलब यहाँ पे डॉट और एक नेक्स्ट लगाएंगे तो नन आएगा, फिर हम यहीं पे रुक जाएंगे, और जो टेल नोड है वो इसको ही टेल नोड मान लेंगे, और ऑटोमेटिकली लिंक लिस्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और पाइथन इसको, मतलब पीवीएम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, उसको डंप कर देगा। तो लेट्स गो टू कोड। और ये इस कहाँ गई वो इमेज यार, हाँ ये वाली इमेज। तो इस तरह से हम इसको ऐसे ले ले आ सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जंप नहीं मार सकते, हमें यहाँ से यहाँ इटरेट करके जाना होगा, और इधर से देखना होगा कि नेक्स्ट नोड हमारा टेल नोड है। तो उसको कैसे करते हैं वो देखा था। क्लिक फंक्शन डिलीट एट एंड, डिलीट आउट एंड। तो डिलीट एट एंड के लिए भी सेल्फ भेजना कंपलसरी है। सेल्फ क्या करता है कि ये जो क्लास है उसका जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है वो सेल्फ की कॉपी वो उस फंक्शन को प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो उसमें जो एट्रीब्यूट है उस क्लास के जो ये वाले हेड और टेल उसको हम एक्सेस कर पाए। तो पहले हम क्या करेंगे कि डिलीट ही करना है ना, तो हम करंट को पहले करेंगे सेल्फ डॉट हेड पे रखेंगे, क्योंकि तो हमें इटरेट करते हुए जाना है। एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट,
करंट का नेक्स्ट है और उसका भी नेक्स्ट है, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट जब तक एग्जिस्ट करता है तब तक हम सेल्फ डॉट टेल को हम तब तक हम करंट को आगे बढ़ाते ले जाएंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट मतलब उस पॉइंटर को बढ़ाते जाएंगे, मतलब जब तक हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ से नल है, हम यहाँ पे आएंगे चेक करेंगे उसका नेक्स्ट है, उसका भी नेक्स्ट का है नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए लूप ताकि हम इसको टेल असाइन कर पाए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक व्हाइल लूप चलेंगे, नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक करता है, अगर वो एग्जिस्ट होगा तभी व्हाइल लूप चलेगा, और पहले हम हेड से अगले वाले पे जाएंगे फिर वो चेक करेगा उसके नेक्स्ट का नेक्स्ट है क्या, फिर वो ऐसे ऐसे करके जाएगा, और आखिरी में जो हमारे पास करंट होगा वो जो टेल नोड है उसके जस्ट प्रीवियस वाला नोड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हम हमारा सेल्फ डॉट टेल है ना उसको करंट बना देंगे, इस तरीके से हम एंड वाले एलिमेंट को हटा सकते हैं हमारे यहाँ से। वेट एक मिनट, करंट को उस तक ले गए हम, लेट्स रन इट, देखते हैं फिर क्या एरर आता है, एरर तो नहीं आना चाहिए। लेट्स, इसको इंसर्ट कर दिया हमने, इसको प्रिंट भी कर दिया, एन डॉट डिलीट एट एंड को कॉल लगाएंगे और फिर प्रिंट चलाएंगे, देखते हैं करता है क्या नहीं ये डिलीट। तो ये वाला फंक्शन है मतलब मयूर डिलीट होना चाहिए इसमें से, मयूर को डिलीट होना ही पड़ेगा आज, तो नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन हियर, पहले हमने क्या किया, एक मिनट, करंट बाहर आएगा वहां से, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं करंट, पता तो चले कहाँ पे जा रहा है वो करंट का डेटा, मतलब वो इटरेट कर करके कहाँ तक पहुंच रहा है उसको देख लेते हैं हम पहले, इससे पता चलेगा कि, इससे आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कोड को डिबग कैसे करते हैं। प्रिंट, हाँ, क्या हुआ पहले, टेक गैरेज प्रिंट हो रहा है, टेक गौरव टेक बर्नर, हाँ, ये क्या किया था ने? ओ, इसको पहले कॉल लगाया था ना, तो टेक गैरेज तक जा रहा है, और जो टेल नोड है वो टेक गैरेज को ही असाइन करनी थी हमें, अरे यार ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसे करना है, बताओ आपको, जो हम इधर आ गए यहाँ टेक गैरेज तक आ गए, मतलब हम यहाँ सी नोड तक आ गए, सिर्फ हम उसको टेल कर रहे हैं पर इसमें उसका नेक्स्ट है उसको नहीं हटा रहे, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट को निकाल देता हूँ, जो करंट आ गया लास्ट के प्रीवियस एलिमेंट उसके जो नेक्स्ट है उसको हम नन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, अब प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, मयूर हमारे रास्ते से हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखिए हमने एंड में मयूर को ऐड किया और उसको हटा दे दिया रास्ते से, तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि एंड से कैसे डिलीट करते हैं, एंड से कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर से और बिगिनिंग से कैसे इंसर्ट करते हैं और बिगिनिंग से कैसे डिलीट करते हैं,
और आगे क्या है, एक सर्च वाला है कि उसको सर्च कैसे करते हैं, तो इसको भी मैं बता देता हूँ सर्च कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल है, हमने इतना मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर ले तो सर्च करना क्या हमें बड़ी बात है, तो वो भी बता देता हूँ। डिफाइन सर्च करके, और प्रिंट का क्या इश्यू हो रहा था, मतलब कभी कभी जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना वो ओवरराइड नहीं कर पाते हमारे जो नेम्स हैं, जो जैसे कि सीपीपी की आदत होगी आपको कि वो यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट वो यूज करते हैं हम, जाने तो फिलहाल पाइथन में उसकी बात नहीं करते हैं। तो सर्च करने के लिए वो क्या लेगा, सेलेक्ट कॉपी लेगा, और जो डेटा सर्च करना है कि आपको चेक करना है कि ये डेटा इस लिंक्ड लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो सर्च के लिए क्या करेंगे, या पहले तो हम क्या करेंगे, एक करंट नोड असाइन कर देंगे। जो सर्च इटरेट वाला जो पार्ट है, जहाँ पे भी आपको वाइल लूप लगा के इटरेट करना है लिंक्ड लिस्ट में, तभी आपको एक करंट पॉइंटर असाइन करना है जो टेम्प्ररी होगा, कि जो इटरेट होता रहेगा। तो उसको पहले हेड पे लेके जाएंगे, सेल डॉट हेड। फिर क्या करेंगे कि अब इटरेट करना है हमें, वाइल करंट, जब तक करंट एग्जिस्ट करता है तब तक तुम फुल इटरेट करते रहो लिंक्ड लिस्ट में, और ये भी चेक करो कि इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल टू जो हमने डेटा पास किया है वो जो मैच हो रहा है, तो प्रिंट करेगा कि उस डेटा को प्रिंट करते हैं डेटा, ऐसा उसको एरर कर देते हैं, इज प्रेजेंट ऐसा करेंगे, वो इटरेट करता रहेगा, जब मैच होगा वो प्रेजेंट करके ब्रेक कर देगा यहाँ पे व्हाइल लूप को, और अगर वो ब्रेक नहीं किए बिना बाहर आ गया मतलब डेटा प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे कि देयर इज नो डेटा फाउंड, वैसे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो ये है सर्च ऑपरेशन। तो ये डिलीट विलीट का सब पार्ट हमने देख लिया है, तो ये हटा देता हूँ मैं, इसमें और कुछ ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी लिंक्ड लिस्ट बड़ी हो जाए। लेट हम ऐड कर देते हैं और एक हमारे दोस्त का नाम वैभव, बिगिनिंग से ही क्यों इंसर्ट करें, हम एंडिंग से भी इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट एट एंड। फिर हम ऐड करेंगे रोहित को, इंसर्ट एट एंड हम ऐड करेंगे दिगंबर को, तो इतने लोगों को हमने ऐड कर दिया। इसको देखा तो आप रन करके एक बार, अरे यार, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, डिलीट डिलीट, अरे दिगंबर को डिलीट नहीं करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट एट एंड। हाँ, रोहित और दिगंबर एंड में ऐड हो गए, वो बिगिनिंग में ऐसा था। तो हम सर्च क्या करेंगे, पहले तो हम रोहित सर्च कर लेते हैं कि लिस्ट में प्रेजेंट है, वो देता है क्या नहीं। पेन डॉट सर्च क्या प्रिंट करना है, रोहित, अरे स्ट्रिंग पास करना है डेटा। हाँ, तो लेट्स से आप कहेंगे इसको प्रिंट क्यों नहीं किया, प्रिंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने सर्च में प्रिंट कर दिया है प्रेजेंट है या नहीं। या ये मतलब व्हाइल लूप में घूम रहा है, एक मिनट क्या हो गया है,
यहाँ पे करंट नेक्स्ट किया है क्या, नहीं किया है करंट नेक्स्ट, इसको आप ध्यान में रखिए, इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। जब हम पॉइंटर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे वहाँ पे घूमता रहेगा। क्या कर रहा है रोहित इस प्रेजेंट, देर इज नो डेटा पॉइंट, वाई 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 वाई। इसको ब्रेक कर दिया इसने, अरे हाँ, रिटर्न कर देते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। रिटर्न क्या करेंगे, डेटा इज प्रेजेंट, जब होगा तो प्रेजेंट रिटर्न करेगा, ब्रेक की जरूरत नहीं है। और जब ये नहीं रिटर्न होगा कुछ तो ये रिटर्न करेगा। अब हम इसको भी प्रिंट करवा लेंगे, कंट्रोल सी। हाँ अब प्रिंट चलेगा, डेटा इज प्रेजेंट। लेट से रोहित के जगह हम कुछ भी डाल देते हैं, एक्स वाई जेड डाल देते हैं। देर इज नो डेटा पॉइंट बिकॉज हमारे लिंक्ड लिस्ट में है ही नहीं। लेट्स सिर्फ डिवन वर्ड डाल देते हैं, लास्ट तक जाता है कि नहीं वो भी पता चल गया। या दिगंबर इज प्रेजेंट, सो दीज आर दी सम ऑफ द कॉमन ऑपरेशन। अरे हिंदी, सो ये कुछ कॉमन ऑपरेशन है जो लिंक्ड लिस्ट में आप कर सकते हैं। ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। आप में से कुछ कहेंगे कि क्या इतना सिंपल बातों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, पर जब मैं कॉलेज में था इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए मुझे मतलब बहुत टाइम लगा था। और मैं सोचता था कि लिंक्ड लिस्ट बहुत ही हार्ड है, इसी वजह से मैंने उसको अच्छे से किया भी नहीं था। पर आपको मैंने सिंप्लीफाई करके बता दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जाते जाते फिर एक बार इस मेम को देख लीजिए, हम जो नोड किया था उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करता है, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करता है, इसका नेक्स्ट इसको, और इसका किसी को नहीं, इस मतलब ये नन है। तो दिस इज अ फाइनल कंक्लूजन, वी हैव इम्प्लीमेंटेड अवर लिंक्ड लिस्ट। अरे नहीं नहीं हिंदी में, तो इस तरह से हमने लिंक्ड लिस्ट को ये कर लिया है। इस मेम को भी देख लें एक बार, साउंड नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने लिंक लिस्ट अच्छे से समझ लिया होगा। आपको और कुछ लिंक लिस्ट के बारे में जानना है या फिर इस पे लीट कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करके, मतलब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं ऐसा चाहते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अभी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।